नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी मोइत्रा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक खबर को फेक न्यूज क्या बताया। मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री ने उस खबर की सत्यता जांच ली। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें 4 जुलाई की दोपहर 12:05 पर एक ताकतवर कांग्रेसी नेता का फोन आया था। मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि 35 लोधी एस्टेट किसी और कांग्रेस सांसद को अलॉट कर दिया जाए ताकि प्रियंका वाड्रा रह सके। हर चीज को सेंसेशनलाइज मत करिए। आपको बता दें कि इसके पहले प्रियंका गांधी ने फेसबुक और ट्विटर के जरिए उस खबर को फेक न्यूज बताया था, जिसमें ये कहा गया था कि प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से बंगले को लेकर बात की और मोहलत मांगी। पीएम मोदी ने प्रियंका की बात भी मान ली। प्रियंका गांधी ने इस खबर को फेक न्यूज बताया और कहा कि वो 1 अगस्त को बंगला खाली कर देंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से 30 जून को नोटिस भेजकर प्रियंका से बंगला खाली करने को कहा गया था। अपने पत्र में सरकार ने कहा था कि प्रियंका 35 लोधी एस्टेट सरकारी आवास को 1 महीने के अंदर खाली कर दे, क्योंकि वो अब SPG की सूची में नहीं है। गृह मंत्रालय ने लिखा था, प्रियंका गांधी को CRPF कवर के साथ Z+ सुरक्षा अखिल भारतीय स्तर पर मुहैया कराई गई, जिसमें सरकारी आवास के आवंटन या उसे बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं। आदेश में कहा गया था कि इसके मद्देनजर वो किसी सरकारी आवास की हकदार नहीं है और उनके आवंटन को डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट ने 1 महीने के अंदर आवास खाली करने के निर्देश के साथ 1 जुलाई 2020 को रद्द कर दिया। प्रियंका गांधी ने हालांकि ये साफ कर दिया है कि वो अब 1 अगस्त को घर खाली कर देंगी। ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लखनऊ के कॉल हाउस में शिफ्ट होने वाली है। यूपी की सियासत में हस्तक्षेप बढ़ने के लिहाज से ये कहा जा रहा है कि प्रियंका लखनऊ शिफ्ट हो रही है। हालांकि हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट पर कुछ पत्रकारों ने उस नेता का नाम भी पूछा है जिसने प्रियंका गांधी के लिए पैरवी की। ऐसे में सवाल तो उठता है कि आखिर जब हरदीप सिंह पुरी इतना कुछ कह रहे हैं तो उस नेता का नाम भी बता दें जिन्होंने प्रियंका गांधी के लिए पैरवी की।